शिमला में जाम से लोगों को निजात मिलेगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान भी सामने आया, सड़कों का चौड़ीकरण करेगी सरकार। विक्रमादित्य सिंह ने सर्कुलर रोड का दौरा किया है, अधिकारियों को प्लान तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। शहर के ट्रैफिक की बढ़ती समस्या को लेकर के यह फैसला लिया गया है। तो देखिए, शिमला में यह जाम से लोगों को अब निजात मिलती हुई नजर आएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है, जहां पर सड़क का चौड़ीकरण करेगी सरकार। विक्रमादित्य सिंह ने सर्कुलर रोड का दौरा भी किया, अधिकारियों को प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। शहर में ट्रैफिक की बढ़ती समस्या को लेकर के यह फैसला लिया गया है, जहां पर सड़क का चौड़ीकरण करेगी सरकार। विक्रमादित्य सिंह ने सर्कुलर रोड का यह दौरा किया है, जहां पर अधिकारियों को प्लान तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हम एक शिमला शहर के लिए एक जो है यहाँ की ईज ऑफ ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए कुछ स्टेप्स लेने की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सुखू जी की भी ये सोच है, और सभी हमारे माननीय जो लोकल विधायक है शिमला शहर के, हरीश नाठा जी, और हम सब की, जिला प्रशासन की ये एक सोच है कि शिमला इज दी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट, और हर परस्पेक्टिव से शिमला शहर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राज्य का राजधानी है, और यहाँ पे ईज ऑफ ट्रैफिक होना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए खास रूप से टू बिगिन विद जो हमारा कार्ट रोड है, शिमला का जो बहुत मेन सड़क है, इसको एक किस्म से रिंग रोड भी कहा जा सकती है, जो पूरे शहर को जो है इनसर्कल करता है, इसकी वाइडनिंग करना ये हमारा दायित्व है। और इसको हम आज एक कमिटी जो है मुख्यमंत्री जी ने जो हमको डायरेक्शंस दिए हैं, उसके हिसाब से हम पूरे शहर का निरीक्षण करेंगे।